विश्वव्यापी कोरोना महामारी के प्रकोप लॉकडाउन के चलते इंदौर के परिवार ने शुभाशीष समारोह बेहद सादगी के साथ आयोजित किया। बिना किसी अतिथि के परिवार के सदस्यों ने अपनी बेटी का परिणय घर की चार दीवारी में पूरा किया और बेटी को विदाई दी। इंदौर के एक धर्मनिष्ठ जैन परिवार ने एक माह पूर्व अपनी बेटी के लग्न विधान को पक्का कर लिया था। आपातकालीन परिस्थिति के इस नाजुक क्षण में सभी आयोजन निरस्त कर केवल परिवार के चुनिंदा सदस्यों के बीच एक अनूठे अंदाज में परिणय की रस्म अपने ही घर में पूरी की। इस अवसर पर परिवार के सदस्यों ने सोशल डिस्टेंशन के साथ इस परिणय की रस्म को अदा किया। आज तीर्थकर भगवान आदिनाथ के 57 सूत्र के 17वें क्रम परिणय सूत्र आधार पर अपनी बेटी का विशिष्ट अंदाज में कन्यादान रस्म पूर्ण की। इस परिणय में केवल वर वधु के माता पिता और वधु के भाई की उपस्थिति के साथ विधिकारक ने परिणय दीक्षा की रस्म पूर्ण करवाई। इंदौर के धर्मनिष्ठ परिवार के तौर पर अपनी पहचान रखने वाला मारू परिवार समाज में अपनी विशिष्टता और कट्टरता से धर्म साधना के लिए ख्यात है। इस परिवार के सबसे छोटे बेटे जो नाकोड़ा भैरव के परम उपासक अक्षय जैन ने आचार्य नवरत्न सागर महाराज से 17 वर्ष पूर्व अपने बच्चों के परिणय जैन विधान से करने और दिन के लग्न करने का नियम संकल्प लिया था, जिन्होंने धर्म मान्यता अनुसार परिणय परिकल्पना को पूर्ण किया। जबकि इस अनूठे परिणय के साक्षी बनने करीब 40 ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने शामिल होने की स्वीकृति भेजी थी, जो आपातकालीन विपदा के चलते निरस्त कर दी गई। बताते चले कि अक्षय जैन ने अपनी बेटी किंजल का विवाह मुंबई में सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत एपिल ओरा से किया। इस परिणय में भगवान आदिनाथ की चौमुखी प्रतिमा जी की वेदी पर विराजित होकर भगवान पार्श्वनाथ दादा, पद्मावती देवी और अधिष्ठायक देव नाकोड़ा भैरव की स्थापना की गई थी, जिसमें संस्कार वचनों के साथ जिन शासन आगम की मान्यता अनुसार श्रावक श्राविका धर्म पथ पर चलकर जीवन को उत्कृष्टता के साथ निर्वहन करने की वचनबद्धता के फेरे हुए। इसे परिणय दीक्षा का नाम दिया गया। इस पूरे आयोजन को जैन धर्म मान्यताओं के धार्मिक स्वरूप सजनीत मंडप में स्वयं परिवारजनों ने तैयार किया। वरवधु के परिवारजनों के परिणय की इस मंगल बेला पर मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहे। इस अनूठे परिणय पर वरमाला में फूल की बजाय मोतियों की माला का इस्तेमाल किया गया। जैन विधिकार रत्नेश मेहता ने यह परिणय जैन शास्त्रों के मंत्रोच्चारित संगीत भक्ति भावना के साथ संपन्न करवाया। जैन विधान के अनुसार आज हमारा लग्न हुआ है। 8-10 लोगों के बीच में यह लग्न हुआ। क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हमें ये लग्न सीमित लोगों के बीच करना था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।